Nein, nicht. कहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस जो इस साल हम मना रहे हैं उसका मेन थीम है जो प्रधानमंत्री ने दिया है कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस हम मेरी माटी मेरा देश की थीम पर और वीरों को वंदन करते हुए मनाएंगे। उसी थीम को लेते हुए हमारा ये अवेयरनेस ड्राइव यहाँ पे चलाया जा रहा है जिसमें हम ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि जो व्यक्ति कर भरता है, टैक्स का कंप्लायंस करता है, रूल्स अबाइड करता है, वही हमारा जो है सच्चा देशभक्त है और वो देश निर्माण में योगदान दे रहा है। आज जो है हमारी अवेयरनेस ड्राइव एक सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स का एक पड़ाव है जिसमें आज हमारी जो एनफोर्समेंट की टीम्स हैं पूरे जम्मू डिवीज़न की, वो लोग एक अवेयरनेस ड्राइव सड़क पर आकर कर रहे हैं। जो ये हमारी अवेयरनेस ड्राइव है उसमें एनफोर्समेंट विंग जो हमारा देखता है वो ये देखता है कि जो ई वे बिल गाड़ियों को मैंडेटरी होता है ले जाना, तो क्या ये ई वे बिल लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। दूसरा जो है हमारा अवेयरनेस ड्राइव का ये मकसद रहता है कि अगर कोई नहीं लेके जा रहा है तो उसको हम अवेयर भी करते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है ई वे बिल लेके जाना, ई बिलिंग क्यों करनी है। सो ये साथ साथ हम अवेयर भी कर रहे हैं और साथ साथ में हम चेक भी कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके जो हमारी एनफोर्समेंट टीम है वो इंश्योर करती है कि जो टैक्स का लॉस का कंप्लायंस नहीं करता है उसको पेनल्टी लगाई जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि अगली बारी वो टैक्स लॉस का कंप्लायंस करें। तो मेन मकसद जो है इस पूरे 30 दिन का जो ये मुहिम चलाया जा रहा है पूरे देश भर में वो यही है कि हम अपने विक्रेताओं को, अपने जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हर किसी लेवल पे रीच आउट करें ताकि उनको पता चले कि क्यों ज़रूरी है टैक्स भरना, किस तरीके से टैक्स चोरी से क्या क्या उनको हानि हो सकती है, किस तरह की पेनल्टीज़ लग सकती हैं और ज़रूरत क्या है कि समय पे भरें टैक्स, रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है और क्यों करनी ज़रूरी है, कहाँ कहाँ टैक्स की चोरी हो सकती है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये सारी जो है जागरूकता अभियान के तहत कराया जा रहा है और आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क पर हमने काफ़ी सारी गाड़ियों को रोका, चेक किया गया और वहाँ पे हमने देखा कि टैक्स का कंप्लायंस जो है बहुत अच्छा है। लोगों ने ई वे बिल लाया हुआ था और जो जो हमारे लोग थे जिन्होंने ई वे बिल रखा था उनको हमने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया है, जो कि एक कदम है कि वो आगे भी इस चीज़ को करते रहें और देश निर्माण में भागीदार बने। देखिए, मेरी माटी मेरा देश इस थीम के साथ हमारी स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, 76 इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस हमारी स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त से, जिसके दौरान हमने अवेयरनेस ड्राइव चलाई मार्केट्स में, लोगों को बताया कि किस तरह से बिल्स बनाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी चाहिए और साथ ही साथ जीएसटी नंबर कैसे लेना है, ये डिपार्टमेंट स्टेट टैक्सेस हमारे डिपार्टमेंट ने ये आगे अवगत कराया लोगों को। आज जो है आज अवेयरनेस ड्राइव सिर्फ एनफोर्समेंट विंग की है। एनफोर्समेंट विंग जैसा कि आप सब जानते हैं ये हमारे एसटीओज, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और गार्ड्स, ये लोग हमारी टीम्स जो हैं 24 आवर्स हमारे नाकास रहते हैं रोड पे, जो कि व्हीकल्स चेक करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं पोर्टल पे जिनके ई वे बिल्स बने हैं या नहीं और अपडेटेड हैं या नहीं। साथ ही साथ जिन व्हीकल्स में जो ई वे बिल्स नहीं पाए जाते उनको डिटेन किया जाता है। इस मुहिम के द्वारा हम ये लोगों तक बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट आप लोगों के द्वारा, क्योंकि मीडिया का जो दायरा है वो हमसे ज़्यादा बड़ा है, हम ये बताना चाहते हैं जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी डीलर्स हैं, कि डिपार्टमेंट आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। जिसको भी कुछ समझ नहीं आता है या जिसको भी ये पता नहीं है कि ई वे बिल्स कैसे बनाए जाते हैं या कैसे अपडेट किए जाते हैं, वो हमारे सुविधा केंद्र तक आराम से पहुँच सकते हैं या हमारे ऑफिसेस, एडिशनल कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस या फिर डीसी एनफोर्समेंट का ऑफिस है, वहाँ पर आके आप आराम से समझ सकते हैं। एक जागरूक ग्राहक के साथ साथ एक जागरूक विक्रेता भी बनिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आपको नहीं पता है अपने सीए और अकाउंटेंट्स के थ्रू आप ये अपडेशन करा सकते हैं, इसी के द्वारा हम योगदान दे सकते हैं ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति की राह पे चले। टैक्स प्रॉपर आएगा तो देश भी उन्नति की राह पे चलेगा। जय भारत।